अब पाकिस्तान ने किया भारत के साथ जैसे को तैसा वाला सलूक। वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, दिया दो टुक जवाब। पीसीबी की चाल कामयाब, एशिया कप में भारत ने पाक आने से किया था इनकार। दोनों खेलेंगे, दोनों भिड़ेंगे, लेकिन किसी तीसरे मुल्क की सरजमी पर। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर चल रही तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी साल भारत में वनडे विश्व कप खेला जाना है, जिसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप के मुकाबले के लिए भारत नहीं आएगी और वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर वनडे विश्व कप हिस्सा लेने की मांग कर रही है। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान चाहता है कि वो वनडे विश्व कप के अपने मैच बांग्लादेश में खेले। हालांकि इसे लेकर बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दरअसल ये मामला एशिया कप को लेकर सामने आया है। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ तौर से पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एशिया कप में भारतीय टीम अपने मुकाबले को इंग्लैंड में खेलेगी। इससे पहले बीसीसीआई ने मांग की थी कि एशिया कप की मेजबानी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस बदलाव के लिए राजी नहीं हुआ। ऐसे में दोनों बोर्डों के बीच विवाद बढ़ता चला गया और पाकिस्तान भी बार बार भारत को धमकी देता रहा है कि अगर भारतीय टीम उनकी यहां आकर क्रिकेट मैच नहीं खेलती है तो वो भी इसी साल होने वाले वनडे विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगा। वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत के पास है। ऐसे में अब पाकिस्तान ने कहा है कि वो वनडे विश्व कप के मैच को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत में अक्टूबर नवंबर में होने वाले वनडे विश्व कप में शिरकत करने के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप के अपने सारे मैच बांग्लादेश में खेल सकती है। फिलहाल ये खबर सिर्फ एक संभावना है, लेकिन अगर ये हकीकत में बदलती है तो वनडे विश्व कप से संबंधित आने वाले दिनों में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्रिकेट पाकिस्तान ने एक लोकल न्यूज चैनल के हवाले से वसीम खान को लेकर बड़ी जानकारी दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व CEO वसीम खान ने कहा है, मुझे नहीं पता कि मैच किसी दूसरे देश में होगा या नहीं, लेकिन इसके न्यूट्रल वेन्यू पर होने की अधिक संभावना है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भारत में अपने मैच खेलेगा। मुझे लगता है कि उनके मैच भी भारत के एशिया कप के मैचों की तरह न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जा सकते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम 2023 में एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय टीम के मुकाबले UAE, श्रीलंका, बांग्लादेश या बहरीन में हो सकते हैं। भारतीय टीम के इसी फैसले के विरोध में पाकिस्तान बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला लिया है। वनडे विश्व कप खेलने के लिए भारत न आने के बयान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों और पूर्व क्रिकेटरों द्वारा लंबे समय से दिया जा रहा है। 2022 में जब BCCI के सचिव जयशवा ने कहा था कि टीम इंडिया एशिया कप 2023 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसके ठीक बाद तब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा था कि अगर भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी वनडे विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी। ESPN की ताज़ा रिपोर्ट रमीज के बयान के सच की तरफ ले जा रही है। वनडे एशिया कप के मुकाबले सितंबर में होने हैं, इसे वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मेजबानी के बवाल के कारण ICC के टूर्नामेंट पर भी खतरा मंडराने लगा है। लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज भी नहीं खेली जा रही। टीम इंडिया की बात करें तो उसे लंबे समय से ICC ट्रॉफी का इंतजार है। मेजबान होने के नाते उसे मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अंतिम बार ICC ट्रॉफी 2017 में जीती थी, तब उसने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत को ही हराया था। पाकिस्तान की टीम भारत आखिरी बार साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने आई थी, जहां दोनों देशों के बीच ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भिड़ंत भी हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार भिड़ंत पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में हुई थी, जिसने व्यूवरशिप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। बेहद रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने विराट कोहली की यादगार पारी के दम पर पाकिस्तान को 4 विकेट से धूल चटाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।